इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी पेटीएम में इस तरह का मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में पेटीएम यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, नो इंटरनेट कनेक्शन, वी कैन नॉट डिडक्ट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन, तो फिर इसे आप कैसे सही करेंगे, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में, और ये रही हमारी मोबाइल की सेटिंग। तो सेटिंग पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कनेक्शन एंड शेयरिंग, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक बार आप क्या करेंगे, एयरप्लेन मोड को ऑन करके फिर ऑफ कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना है कि बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप मोबाइल डाटा अगर यूज़ करते हैं तो मोबाइल डाटा को इनेबल यहाँ से इस तरह से कर देना है, और इसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको चले जाना है अपने ऐप पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप्स, तो ऐप्स पे क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर पे आपको मिल जाता है मैनेज ऐप्स, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है, और मैनेज ऐप्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेटीएम पे चले जाना है, देख लेना है पेटीएम कहाँ है। तो आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है पेटीएम। पेटीएम जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाता है स्टोरेज, तो स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैच कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐप परमिशन पे जाएंगे, और ऐप परमिशन पे जाने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपना कैमरा जैसे देख रहे हैं इसको अलाउ कर देंगे, कनेक्ट इसको अलाउ कर देंगे, फाइल एंड मीडिया इसको अलाउ कर देंगे, इसके बाद आपको माइक्रोफोन देख रहे हैं इसको अलाउ कर देंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं फ़ोन तो इसको अलाउ कर देंगे, इसके बाद SMS इसे अलाउ कर देंगे। इसे अलाउ करने के बाद मेन चीज़ क्या है वो देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजर्स, इस पे क्लिक करना है और तीनों को एक बार चेक करके चेक मार्क कर देना है इसको इस तरह से। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेंगे, और इसके बाद ये वर्क करने लगेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक।